अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग कल निकल गए थे लाहौर से और हम रुक गए हैं भावलपुर पे, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। आगे गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा चलो आज का दिन हम यहाँ पे स्टे कर लेते हैं और कल हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। हम जो हैं वो अभी भावलपुर में हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, बादल आ गए हैं। गर्मी सुबह से बहुत थी तो हम बाहर नहीं निकले थे, अभी हम निकले तो इतने अच्छे बादल आए हुए हैं। होपफुली बारिश भी हो जाएगी तो मौसम थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो आपको दिखाते हैं भावलपुर। यहाँ पर भी बहुत सारी हैं घूमने की जगहें। रानी महल है, एक दो तीन और हैं, बट हम लोग इतने थक चुके हैं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कहीं जाने की। तो बस ऐसी सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग को वो जगहें भी दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत हैं। रानी महल हमने लास्ट टाइम विज़िट किया था कोई 2-3 साल पहले, तो वहाँ पर फर्नीचर था कुछ बहुत अच्छा सा था महल वो। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको दिखाएंगे ज़रूर। और अभी आपको भावलपुर शहर जहाँ जहाँ हम जाते हैं, एक जगह की कुल्फ़ी हम खाते हैं वो हमें बहुत पसंद है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये है वो कुल्फ़ी वाला जिसका मैं कह रही थी कि हम लोग इसकी आके खाते हैं। यहाँ बारिश हो गई थी, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं अंदर से निकलकर, बाज़ार के अंदर से निकलकर। और इसके बराबर में ये ओलिव शूज़ है और स्टाइलो भी है इसके पास है। इसकी कुल्फ़ी बहुत मज़े की होती है। अभी हो रहे हैं सुबह के 6, हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं तो निकल रहे हैं हम यहाँ से कराची के लिए। भावलपुर से अभी पेट्रोल डला के और थोड़े पैसे वगैरह निकालने के लिए रुके, फिर हम लोग इंशाल्लाह कराची के लिए निकल जाएंगे। भावलपुर को भी करते हैं अल्लाह हाफिज़ और अब हम बढ़ते हैं कराची की तरफ। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30। हवा अभी थोड़ी ठंडी है, शुक्र है। वापसी का सफ़र हमारा मोटरवे से नज़र आते हुए गांव, खेतों में लोग काम कर रहे हैं, औरतें मर्द सब काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है ये आइस को, ग्रीनरी सारी, बड़ा मज़ा आता है देखने में। जाते वक्त की एक्साइटमेंट इतनी अलग होती है, हम लोग की सब ये बातें होती हैं कहाँ स्टे करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। और अभी वापसी की तरफ हम, मेरी वेकेशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, मुझे घर जाके अपना घर संभालना है, सारी अनपैकिंग करनी है, सारा अभी हमारे पास करने के लिए ये सारी बातें, कल क्या काम करना है, क्या क्या चीज़ें लानी है। मुझे बस घर जाने की जल्दी है कि जल्दी से हमारा घर आए, हमारा बेड हमें मिल जाए और बैक टू रूटीन हो जाए हम, और फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लान शुरू करें। यहाँ
पंजाब का हैंड और एंटर हो गए हम लोग सुबह सिंध में। तो अब ये शुरू हो गए हैं सिंध के गांव। कश्मीर से लग जाता है ये बॉर्डर और कश्मीर आ गया है। हम लोग जो है वो सिंध में है। पंजाब के पांच दरियाओं को छोड़कर अब हम सिंध के समंदर की तरफ हैं। अभी 9:30 बज रहे हैं। मौसम अभी थोड़ा बेहतर है। जब हम गए थे तो उस टाइम पे बहुत गर्मी थी। अभी इतनी गर्मी नहीं है, हल्की गर्म हवा है। मतलब अभी हम लोग बगैर एसी के हैं तो इतना फील नहीं हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे रिफ्रेश होने के लिए स्टेलस पे। हमने ब्रेकफास्ट किया और फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी। मोटरवेज के ये स्टॉप ओवर्स जो हैं ये बड़े अच्छे बने हुए हैं। इनमें वॉशरूम्स भी हैं और शावर रूम्स भी हैं। वो पेड हैं, आप पे करके शावर वगैरह भी ले सकते हैं। और कैफे भी हैं, कुछ और रेस्टोरेंट्स भी हैं, मस्जिद है, मोटेल्स भी मिल जाते हैं जो रूम्स होते हैं हाईवे पे, मोटरवे पे। तो ये अच्छे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस होता है हमारा मोटरवे से। बस अब सखर टू हैदराबाद वाला मोटरवे रह गया है, होपफुली वो भी बन जाएगा तो हमारे लिए आसानी भी बहुत हो जाएगी। जो छोटे रेस्ट एरियाज आते हैं उसमें भी नमाज की जगह होती है, छोटी वॉशरूम्स होते हैं और ये टक शॉप वगैरह होती है। लेकिन ये जो बड़े रेस्ट एरियाज होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फिर चलते हैं आगे। अभी तो हम यहाँ से निकले घोटकी से, अब हम जा रहे हैं आगे सखर की तरफ। ये सखर पे एंड हो जाएगा, फिर सखर से हैदराबाद तक हम लोग सुपर हाईवे से जाएंगे, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक वगैरह वो होता है। मोटरवे से ही होता है, एकदम थ्रू निकल जाते हैं। यहाँ हम लोग सखर से गुजर रहे हैं और ये आ गए खजूरों के दरख्त। और इसमें देखें कच्ची, अभी ऑरेंज वाली वो जो कच्ची खजूरें होती हैं वो लगी हुई हैं, क्या बोलते हैं इसे, खजी, वो सारी लगी हुई हैं। Thank you.
ये सखर से आगे ये एक तरह का मेवा बनता है और ये लोग ये इधर ही बनाते हैं। फ्रेश दूध की मिठाई होती है, खोया जैसे होता है, ये इस पे बनाते हैं और इसको ये पका पका के जैसे खोया बनाते हैं, उसको चीनी डाल के भून भून के होता है, बहुत मज़े का है। और ये यहीं मिलता है हाईवे की साइड पे। हाईवे का ये मज़ा है कि जो जिस जगह की स्पेशलिटी होती है वो आपको हाईवे पे बाहर मिल जाती है और मोटरवे पे ये सब नहीं मिलता। का थाल है और इसमें ये लोग इसको इसमें पकाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं कराची और अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।